दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में गिने जाने वाला अमेरिका में अब महंगाई की मार नहीं थम रही है और इसी से कर रहे हैं आज हम अपने बुलेटिन की शुरुआत। यहां एक बार फिर महंगाई 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.6% पर पहुंच गया है। महंगाई बढ़ने की अहम वजहों में खाद्य पदार्थ और ईंधन के बढ़ते दाम शामिल हैं। एक्सपर्ट्स ने अप्रैल के मुकाबले 0.7% बढ़ोतरी की उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन मई में महंगाई उनके अनुमान से भी ज्यादा है। महंगाई बढ़ने के बाद एक बार फिर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। आपको बताएं कि फेड रिजर्व मार्च से लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सके। में फिलहाल महंगाई की मार पड़ी है, यूएस में महंगाई की मार लगातार जारी है। भारत के लिए क्या यहां से कुछ क्यों मिल रहे हैं इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन आपको बताएं कि 40 साल के उच्चतम स्तर पर मई की महंगाई और स्वाभाविक तौर पर यहां एक बार फिर महंगाई 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद चिंता बढ़ गई है। मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 8.6% पर पहुंच गया। महंगाई बढ़ने की अहम वजहों में जो बताया जा रहा है खाद्य पदार्थ और ईंधन के बढ़ते दाम शामिल थे और एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो वहां पर काफी ज्यादा बढ़े हैं, 40-45% ज्यादा बढ़े हैं वहां पर, और उसके बाद खाद्य पदार्थों के भी बढ़ते दाम जो उसमें शामिल थे उन्होंने वहां पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। एक्सपर्ट्स ने जो अनुमान जाहिर किया था अप्रैल के मुकाबले, उम्मीद यही थी कि बढ़ेगी, लेकिन अप्रैल के मुकाबले 0.7% बढ़ोतरी की उम्मीद जाहिर की गई थी, लेकिन मई में महंगाई इन एक्सपर्ट्स के अनुमान से भी ज्यादा बढ़ गई और अब महंगाई बढ़ने के बाद स्वाभाविक तौर पर एक बार फिर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। फेड रिजर्व वैसे लगातार मार्च से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सके, लेकिन महंगाई रोकने के लगता है तमाम उपाय जो हैं वो फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा भी। जानकारी के लिए जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर ये 8.3 का अनुमान था, 8.6 आई है, कितना बड़ा आप इसे संकेत मानते हैं और चिंता क्या इस बात से होनी चाहिए कि अमेरिका में महंगाई एक तरह से बेकाबू हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए बेकाबू का तो यही है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। हमें लगा था जब मार्च से लेकर अप्रैल में थोड़ी सी कटौती हुई थी महंगाई में तो लगा था गिरावट आई थी कि शायद पीक इन्फ्लेशन हो गया, बट अभी मार्केट का अंदेशा यही बता रहा था 8.5% तक तो ये जो स्वॉप होते हैं इन्फ्लेशन स्वॉप भी बेचे जाते हैं अमेरिका में, कल वो 8.5% पे चल रहे थे, चाहे अनुमान 8.3 का ही था और आज 8.6 आया, तो वो बहुत ही एक खराब आंकड़ा आया है। और जो मार्केट दर्शा रहा है ये स्वॉप जो दर्शा रहा है इन्फ्लेशन का कि 8.8 का आंकड़ा आएगा अगस्त में, तो कोई राहत आते नहीं दिख रही। दूसरी बात है कि ये पॉलिसी से पहले का आंकड़ा है, 15 जून को फेड मिलने वाला है, फिर 27 जुलाई को मिलने वाला है और लगभग तय था कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक वो जून में करेंगे, बट हो सकता है जून में नहीं तो जुलाई में अब 75 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाने पड़े क्योंकि महंगाई दर बहुत तेजी से बढ़ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही, इसी के चलते मार्केट्स भी आज गिरावट का दौर देख रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, मैं मार्केट के बारे में अगला सवाल पूछने जा रहा था क्योंकि हम अक्सर अमेरिकी बाजारों से क्यों लेते हैं, ऐसे में सर अब हमारी चाल किस तरह से अगले हफ्ते आपको दिखाई दे रही है, हमारी भी धुनाई तो नहीं हो जाएगी कि क्या आप लॉजिकली देखिए कि फेड रेट बढ़ाएंगे, फेड रेट बढ़ाते जाएंगे तो डॉलर और तेज होगा, डॉलर बढ़ेगा अगर स्ट्रॉन्गर होता है एफआईआई और पैसा एमर्जिंग मार्केट से निकालेंगे, एमर्जिंग मार्केट से निकलेगा तो भारत से भी पैसा निकलेगा, तो मंडे तो लगभग अब तय लग रहा है कि गैप डाउन ही खुलेगा। एससीएक्स निफ्टी अभी 150 पॉइंट तक नीचे चल रहा है
बट ओवरऑल हमारे लिए भी नेगेटिव है। यूरोप बहुत तेजी से गिरा 2.5% तक, यूरोपीय बाजार सारे नीचे हैं, अमेरिकी बाजार नीचे हैं, तो ये एक सरप्राइजिंग नंबर आ गया। और अब विश्व का सेंट्रल बैंक है फेड, क्योंकि वही डायरेक्शन तय करता है, तो लगता है कि तेजी से इनको रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दीपक जी शेयर करूंगा कि पूरे जो हम स्वॉप कर्व देखते हैं उसमें था कि सितंबर में शायद 25 बेसिस पॉइंट तक आएगा, 50-50 जून और जुलाई में हो जाएगा। अब जून जुलाई और सितंबर का अगर आप तीनों का एक एडिशन करके देखें तो ये मार्केट दिखा रहा है 1.75% इंक्रीज, जहां पहले 1.25 था। तो एक बारी 75 बेसिस पॉइंट और दो बारी 50-50 तो ऑलरेडी मार्केट दर्शा रहा है शायद और बढ़ जाए आगे जाके। तो ये इतनी तेज रफ्तार से रेट बढ़ना मार्केट के लिए काफी खतरे की घंटी हो जाती है और काफी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो जाएगी फेड की, मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है और हमारे मार्केट्स के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। अब यानी कि सर आप क्या इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आरबीआई भी अब अगली पॉलिसी का सितंबर तक इंतजार नहीं करेगा, पिछली बार की तरह बीच में ही कूद कर ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी हमें? देखिए आरबीआई को डॉलर ये रुपए को भी बिल्कुल उनको डिफेंड करना है, बट अगस्त में है हमारी पॉलिसी। बट वही मैं जैसे हमने प्रोग्राम में भी कहा था जब आरबीआई पॉलिसी कवर कर रहे थे कि बेहतर यही होता एक बारी 75 बेसिस पॉइंट कर जाते, क्योंकि 50 तो फेड बढ़ाने वाले हैं जून और जुलाई में, और अगस्त तक जब तक आरबीआई आएगा फिर बहुत पीछे रह जाएगा फेड के। तो हो सकता है बट बहुत इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बट अच्छी बात यह है कि दो रेट हाइक कर चुके हैं, तो 40 और 50 का रेट हाइक ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हो सकता है अगस्त तक रुक जाए। बट अगस्त में 25 करने के बजाय 50 मेरे ख्याल से आराम से आरबीआई रेट हाइक करेगा। यानी कि दबाव लगातार आरबीआई पर भी बढ़ रहा है, अब किस तरह की कॉन्ट्रैक्शनरी जो जैसे सर संकेत दे रहे हैं वो पॉलिसी तो रहने वाली है, लेकिन किस हद तक किस लेवल तक आरबीआई अपनी पॉलिसी को जारी कर पाएगा ये वाकई में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अनुमान और दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं 40 साल के हाई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI 8.6 ईयर ऑन ईयर, और ये थोड़ा चिंताएं बढ़ाता हुआ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर इस तमाम जानकारी के लिए, और जैसा कि हम बातचीत कर ही रहे थे स्वाभाविक रूप से अमेरिकी बाजारों पर भी इसका दबाव